शाका जो है जी राजू खतरनाक नहीं है इतना ज्यादा। अब बारी है शाका और उसकी वाइफ को दाना डालने की। शाका की जो वाइफ है वो खतरनाक है, ये मारती है बहुत ज्यादा। अभी शाका ये है जी, अभी इसको दाना डालने के लिए। शाका क्या देख रहा है इधर, क्या उसकी वीडियो बन रही है, ये देखे अभी देखे। मैं अभी आया था मुर्गियों की तरफ, तो मुर्गियों को छोड़ने से पहले ये है कि फिर पानी मोटर ऑन करते हैं और बेल को पानी लगा देते हैं, अंगूर की बेल को। इनको अभी खोलते हैं थोड़ी देर तक, वो भी अंदर से आवाज़ दे रहे हैं। ये देखें ये अंगूर की बेल है, तो ये पानी चल रहा है इधर। इधर काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, ये है कि ये सफाई होने वाली है इधर, चलो वो भी बाद में करेंगे। पहले चल के अंदर से मुर्गियों के जो अंडे हैं वो उठा लेते हैं। चार ये और दो ये अंडे पड़ेंगे इधर। ये शापर मैंने पकड़ लिया, तो अंडे इसमें डालता हूँ मैं सारे। चलिए पानी जो है वो लग रहा है बेल को, तब तक मुर्गियों को दाना भी डाल देते हैं। ये थोड़ी सी इधर ऊपर डाली है, चलो ये हो गया बंद। ये दरवाजा भी करते हैं बंद। ये जो बारिशें हुई थी तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा मशाला फैल गई है। सुबह और शाम जब भी मुर्गियों को छोड़ने और बंद करने आता हूँ तो फिर पानी लगा के जाता हूँ अच्छे से। ये जो मोटर इस तरह लगी हुई है इधर नीचे, तो माशाल्लाह ये देखें इसको बोर जो है वो आ चुका है, नज़र आ रहा होगा आपको। नहीं ये जो है सारा वो इसका बोर है जो इसको फल लगेगा बेल को। अभी देखिए आप मैं सोचता हूँ दोबारा भी किस तरह सारे पत्ते पा रहे हैं। दो मुर्गे इधर इसके ऊपर आ जाते हैं, दो मुर्गे इधर नीचे रहते हैं और दो ही मुर्गे अंदर रहते हैं, और एक मुर्गा वो जो एक नीचे रहता है और एक ऊपर उसके शर्फ के ऊपर चला जाता है। अब देखिएगा ये खुद ही दो मुर्गे बाहर होंगे, बाकी सारे अंदर रहेंगे। ये वाले जो दो हैं ये बाहर रहेंगे, वो जो दो ऊपर हैं वो ऊपर रहेंगे, और एक ये नीचे है और एक अभी ये इधर पानी पी रहा है इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी बाद में ऊपर जाएगा उधर।
है वो सुबह के 8:30 हो गए हैं और मैं आया हूँ इधर छत के ऊपर चूजों को दाना डालने। इनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो इनको चलो ये फीड डालते हैं। अभी ये फीड नहीं खाते, फीड कम खाते हैं। दाना मैंने इनको डाल दिया और ये देखें अभी कैसे क्या है। ये सब के सब जो हैं ये असील नस्ल के हैं। ये जो गर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। सारे चूजे हैं वो इन दोनों के अंडे हैं। एक ये नीचे जोड़ा है और एक ये ऊपर वाला जोड़ा है। ये जो ऊपर वाला मुर्गा है इसका नाम है राजू और ये जो नीचे वाला है इसका नाम है शाका। ये चिड़ियों के लिए मैंने थोड़ा सा बाजरा इधर डाल दिया। काफ़ी होगा। चावल जो हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, चावल भी इनको डालता हूँ मैं थोड़े से। ये जो माशाल्लाह जी माशाल्लाह शाका की हाइट चेक करें। ये जो मुर्गियाँ इसमें आधी से ज़्यादा जो है वो सेल कर देनी है क्योंकि ये अंडे नहीं दे रही। ये मुर्गा एक बकरा है। ये अभी मुर्गियां कम हो गई हैं। मैं और भाई जाके आज 8 मुर्गियां जो थी वो सेल कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ 4 से 5 मुर्गियां रह गई हैं। अभी नमाज दोहर के बाद का टाइम। अभी नहर की तरफ आया हूँ और ये देखें ये नीचे जो है वो कुछ बुजुर्ग बैठ के अभी रमदाश खेल रहे हैं और कुछ जौक उसमें शामिल हो रहे हैं। वो भी पहुँच गया उधर ही ताश खेलने। ये खालू जी ने अपनी किताब में बहुत ज़्यादा पहले ही कह दिया था कि ताश की और प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती, कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। अभी वो देखें वो एक आदमी आया था साइकिल पे, ये उसने साइकिल खड़ी किया और वो उसमें जाके शामिल हो गया और अब देखा खेलना वो भी उनके साथ। इसलिए ताश की और प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती।